एक अच्छे कुक की पहचान पता है क्या है? उसकी कटिंग। अगर आपको एक अच्छी कटिंग करना आता है तो आपको खाना बनाना भी अच्छा लगेगा। हमारे शेफ जोरावर बोला करते थे कि भाई अगर रेंज पे जाना है, मतलब रेंज पे जाने का मतलब कुकिंग करना है, तो सबसे पहले कटिंग करना सीखो। और कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपका नाइफ शार्प होना चाहिए। अगर शार्प नाइफ है तो आपकी कटिंग भी अच्छी होगी। आज हम बेसिक जानकारियों के बारे में बात करेंगे अपनी कटिंग के बारे में। तो कैसे हैं मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनेस्ट किचन में। आप कोई सी भी चॉपिंग स्टार्ट कर रहे हो तो नाइफ संभालने से पहले अपने चॉपिंग बोर्ड को संभालना सीखना पड़ेगा। तो क्या करना है, चॉपिंग बोर्ड को रखना है? नहीं, चॉपिंग बोर्ड लिया आपने तो प्लेटफॉर्म पे आपको कोई कागज़, मतलब कोई कागज़ लगा लीजिए, किचन टॉवल लगा लीजिए। अगर कागज़ नहीं लगाना चाहते हो तो आप किचन टॉवल आते हैं इस तरह के, किचन टॉवल लगा सकते हैं, कोई कपड़ा लगा सकते हैं। इससे क्या ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ये देखिए हिल नहीं रहा है। अगर मैं इसको हटा दूंगा यहाँ पे, ये देखिए मैं कटिंग करूँगा तो ये ऐसे घूम सकता है, तो मेरा हाथ कटने की संभावना है। तो यहाँ पे इसको फिक्स कर दीजिए ऐसे करके। अब आती है नाइफ़ की बात। तो ये है एक शेफ़ नाइफ़ है, मतलब इसको शेफ़ नाइफ़ कहा जाता है। इसको बोलते हैं पॉइंट, ये वाला जो पार्ट होता है जिस पे ये चलता है कई बार ऐसे, इसको बोला जाता है टिप। ये इसकी एज है यहाँ से कट लगाने के लिए। इसको स्पाइन कहा जाता है, जहाँ पे ऐसे करके ऐसे भी कटिंग होती है, तो इसको हील कहा जाता है, बॉल्स्टर कहा जाता है। ये हैंडल हो गया, ये हिस्सा टैंग बोला जाता है, इसको बट बोला जाता है, और ये पूरी ब्लेड हो गई। किसी भी नाइफ को होल्ड करने का तरीका, आपको एक उंगली यहाँ पे रखनी है, चार उंगली इस तरह से ग्रिप आएंगी, और जो आपका अंगूठा है वो यहाँ पे आएगा। इससे बहुत अच्छी ग्रिप आती है नाइफ के अंदर। सबसे पहले हम एक ओनियन लिया है मैंने, तो यहाँ पे इसको स्लाइस करेंगे अपन। तो यहाँ पे एक राउंड स्लाइस होती है, तो हल्का सा कट मारा यहाँ पे इस तरह से, तो ये इस तरह टिक गया। तो आप इसको इस तरह से, यहाँ पे आपके हाथ पे ऐसे करके होल्ड हो जाता है ये इस तरह से। तो ये हो गई स्लाइस। नाइफ को मैंने ऐसे किया, ऐसे करके इस तरह से, ये देखिए मैंने इस तरह चलाया। मैंने ऐसे नहीं चलाया, यहाँ पे नाइफ को ऐसे चलाना है। तो चलिए हम यहाँ पे चॉपिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको फ्लैट कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये फ्लैट हो गया। अब इसको 1/2 करके भी आप चॉप कर सकते हैं, और जैसे प्रोफेशनल लोग करते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं। तो आपको बता देता हूँ मैं कैसे। एक तरह से ही काट दिया, फिर यहाँ से ये जो टिप है इस पे चल रहा है नाइफ इस तरह से, ऐसे नहीं हो रहा है। ऐसा जब हम नाइफ को ऐसे चला रहे हैं इस तरह से, तो पूरा प्याज कट नहीं रहा है, बिखरेगा नहीं यहाँ पे। अब इसको 1/2 कर दीजिए। अब इस तरह से होल्ड किया, अब मैं नाइफ को उठा रहा हूँ इस तरह से, और ये बच गया। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने टिप का इस्तेमाल किया, बाद में मैंने हील का इस्तेमाल किया। ओनियन स्लाइस करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक होता है ये, जब हम कोई सब्जी वब्जी बनाते हैं तो उसमें आप इस तरह से डाल सकते हैं। एक होता है जब हम बरिस्ता के लिए कटिंग करते हैं तो आप इस तरह से काट सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे लंबा। शिमला मिर्च काटने का तरीका, सिर्फ इतना सा वेस्टेज किया मैंने, ये और ये। अब यहाँ पे इसको आप डाइसेस भी काट सकते हैं। स्किन की तरफ से मत काटिए, ऐसे काटिए बिल्कुल गलत। नाइफ आपका शार्प होना चाहिए, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो, कहीं से भी कट जाएगा। तो मैं देखिए मैं ऐसे ही काट रहा हूँ,
इसको आप डाइस में काट सकते हैं इस तरह से। कैरेट को काटने के दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह से काट सकते हैं, ये जो हिस्सा होता है ये खाने में जाता है, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये ऐसे देखिए नाइफ को मैंने ऐसे करके ऐसे डाला, तो इससे इधर उधर नहीं गिरेंगे। अब ये जो डिज़ाइन बनी है इसको हल्का सा इस तरह से फ्लैप कीजिए, और ये देखिए अब यहाँ पर आप इसको सबसे पहले जूलियन करनी होती है, उसके बाद चॉप करना होता है, तो ये अब इस लकड़ी के गट्ठर को, मतलब कि इस गाजर के गट्ठर को फैलाना नहीं है, इस तरह से टर्न करना है, ये टर्न हो गया, अब इसके बाद में यहाँ पे चॉप कर सकते हो आप। गाजर को काटने का दूसरा तरीका, आप इस तरह से भी काट सकते हैं, और इस तरह से भी इसको जूलियन किया जा सकता है। अदरक को जूलियन और अदरक को चॉप करने का तरीका इस तरह से, जितना आपको फाइन चाहिए उतना फाइन हाथ चलाइए। कैबेज को शेडेड काटने का तरीका, 1/4 किया, ये जो हार्ड पार्ट है इसको निकाल दिया, उसके बाद में यहाँ से इसको खाली किया और हाथ से पाम से इसको दबाया। दबाने से क्या होता है, ये नीचे दब जाएगा और फ्लैट हो जाएगा, उठा रहता है तो काटने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इस तरह मारा तो ये दब जाएगा इस तरह से। अब आप इसको शेडेड कर सकते हैं ऐसे, नाइफ को टिप पे चलाने पे, इस तरह से टिप पे चलाना कहते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। और ये रहा धनिया, तो धनिया काटने का तरीका, तो ये जो मैंने अच्छी तरह से धनिया को वॉश कर लिया है उसके बाद में मैं काट रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले डंठल को निकाल लीजिए, और ये पता है आपको डंठल फेंकने वाली चीज़ तो है नहीं, अपनी कुकिंग में काम आती है, तो आप इसको वैसे भी रख सकते हैं या फिर इसको चॉप करके भी रख सकते हैं, जितना टाइट आपका बंडल रहेगा उतना ही फाइन कटेगा। तो ये देखिए आई होप कि आपको आज की बेसिक नॉलेज अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक दबाना और नए हो तो सब्सक्राइब करना, तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्त।